नमस्कार। कल हमने एक ज्ञानेश्वरी के अध्याय पहले 10 ओवी देखी हमने, और कैसे ज्ञानेश्वरी ये गीता के ऊपर का एक महाप्रवचन है देखा, जिसमें 9000 ओवी है, श्लोक है, हिम्न है, और जैसे गीता में 700 श्लोक है वो भी हमने देखा, और कैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने कितनी प्यारी प्यारी लैंग्वेज में और मधुर वाणी में लिखा है वो भी हमने देखा। आज 11वीं ओवी से देखते हैं। तरी तर्को तोची परशु नीति भेदु अंकुशु वेदांतु तो महारसु मोदो को मिरुए। कल हमने देखा कि गणेश के 6 हाथों में 6 चीजें तो रहेंगी, एक में परशु है, दूसरे में अंकुश है। हमको तो ये भी पता है कि परशु से भेद किया जाता है, तो तार्किक दृष्टि को भी वो भेद देता है। जैसे हम तर्क से देखते हैं कि हर शब्दों को तर्क से देख के उसको भेद करके उसका गहन अर्थ लेके हम लोग समझना चाहते हैं, तो क्या होता है कि ये परशु जो है उसके के ऊपर है, हमें लेके जाता है उसके परे, कि तर्कता से हमने कुछ गहन समझा उस गहन अर्थ से को भी भेद करके उसके परे जाना। भगवान को तो कोई पूरा का पूरा समझ ही नहीं सकता और बता भी नहीं सकता, हर शब्द के परे हमने देखा है। तो वैसे ही ये परशु हमें, गणेश जी का परशु हमें उसके परे लेके जाता है। नीति भेदु अंकुशु, अंकुश जो गणेश, आपको तो पता है कि हाथी को अंकुश कंट्रोल करता है, तो नीति भेद, नीति एथिक्स एंड वैल्यूज, अपनी जो नीति है, हर जगह नीति शास्त्र अलग रहता है। कई बार यानी 99% पूरे मानव जाति में एक ही नीति शास्त्र है, 1% हर जगह बहुत बहुत जगह अलग रहता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वो फॉर पूरे सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में शाकाहार रहना को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो बंगाल में रहने के कारण, गंगा के पास रहने के कारण, और कोकण में भी, और यहाँ पे मद्रास से लेकर हर जगह जो समुद्र की बाजू की जमीन है वहाँ पे बहुत सारे लोग मछली खाते हैं, तो नीति शास्त्र 1% अलग हो सकता है। तो नीति शास्त्र के परे जाके, अभी हम वहीं पे अटके रहेंगे तो कैसे होगा, उसके परे जाने का है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि शास्त्रोक्त पद्धति से अगर कोई शाकार रहता तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ बीज बोते समय भी हमारे यहाँ जमीन को प्रणाम किया जाता है, बीज बोने के बाद पेड़ आने के बाद उनको भी प्रणाम किया जाता है, पेड़ तोड़ते के समय भी प्रणाम किया जाता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। और वो जो वनस्पति जो रहती है वो स्वेच्छा से हमको आम देती है या कुछ फल देती है, अमरूद देती है, अंगूर देती है, या गेहूं चावल देते हैं, वो स्वेच्छा से देते हैं, लेकिन प्राणी मात्र ऐसा नहीं है। तो वो यानी नीति भेदु अंकुश, तो उसके परे जाके वेदांत तो महारसु मोदो को मेरे। फिर हमने देखा था कि वेदों का रस, उसका रस, उसका रस, उसका रस, ऐसे रस निकलते निकलते जो भी मोदक सबसे मीठी चीज जो निकलती है वो गणेश जी खाते हैं, वो मेरे सदगुरु मुझे दे रहे हैं, उसका भी वो मोदक का भी रस मुझे मेरे सदगुरु दे रहे हैं, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। एक ही हाथी दंतु तो स्वभावतः खंडित हो, उनके हाथ में एक हाथ में उनका टूटा हुआ दांत है, वो स्वभावतः खंडित हो, क्या खंडन कर रहा है, क्या तोड़ रहा है, उसका स्वभाव है कि दांत है वो तो खंडन करना, वो तो चबाते रहता, कुछ तो कुछ तोड़ते रहता, तो उसका स्वभाव, तो वो क्या तोड़ रहे हैं। बौद्ध मत संकेतु वार्तिकांसा, कि जो वार्तिक लोगों ने, बुद्ध के अनुयायी है, उन्होंने जो बताया, शून्य, शून्यता, यानी आदमी को शून्यता में जाने का है, कि हमारे मन में शून्य विचार आने चाहिए, इसके भी बुरे जाग गए हैं वो, यानी हर चीज के परे जाने का है, तभी हमें भगवान समझ में आएगा, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। तो आपको हमने
मैं लास्ट टाइम देखा था कि जब सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बने, आत्म साक्षात्कारी बने, तो उनको उनके हर पेशी के ऊपर हमारे मानव में कितने 37 सम ट्रिलियन मीन्स 37,000 करोड़ पेशी रहती है, तो उतनी सारी आकाश गंगा उन्होंने देखी। उसके बाद में उन्हें शून्यता लगी, यानी वो हम लोग जब सोचते तब हमें पता चलता कि 37 करोड़ अरब 37,000 करोड़ यानी आकाश गंगा है, लेकिन हम लोग सोचना बंद कर देंगे तो हम बिना विचार के हम लोग रहते तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। तो उस शून्य स्थिति में जाने के बाद हमें पता चलता है कि दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति के भी परे भगवान है ये भी समझ लीजिए, ऐसा ही कह रहे हैं दानेश्वर महाराज। मगर सहजे सत्कार वादु तो पद्म कुरु वरदु धर्म प्रतिष्ठा तो सिद्धु अभयस्तु। सत्कार वादु मीन्स निरीश्वरवाद, और धर्म प्रतिष्ठा ने जैमिनी के जैन ऋषियों के उनका धर्म में जो बताई बात, तो जैन धर्म के जो विचार है उसके भी पर जाने का, बाद में निरीश्वरवाद के भी परे जाने का। इसका मतलब क्या है कि शून्यता, अद्वैतता, अद्वैत सिद्धांत जो है, इन्फाइनेट गॉड, इन्फाइनेट यानी अगणित है, उसके परे शून्यता, निरीश्वरवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये सारे विचारों के परे जाने के बाद ही हमें भगवान पता चलता है और हम उससे एक रूप हो सकते हैं। और ये मेरे सदगुरु मुझे समझा के बता रहे हैं, उसलिए उनके दिखाए हुए मार्ग पे मैं जा रहा हूँ। और वो कभी कभी मुझे ऐसे जंप मार के लेके जाते हैं, कभी हवा में से लेके जाते हैं, कभी रास्ते पे से लेके जाते हैं, कभी तैर के लेके जा रहे हैं, नहीं विविध प्रकार से मुझे अपने जीवन के रास्ते पे तलवार की धारा के ऊपर चलने जैसे वो लेके जा रहे हैं। वो पहले ही रास्ता चल चुके हो, परे जा चुके, इसलिए वो मेरे मार्ग के सारे विघ्न जैसे गणेश जी अवॉइड करते हैं, वैसे मेरे वो उसके विघ्न हर के मुझे आगे लेके जा रहे हैं। देखा विवेकवंतु सुमेरु सुविमरु मीन्स जो विवेकवंत रहता है, जो सार सार विचार करके परे जा सकता, सुविमल जिसकी बुद्धि एकदम शुद्ध हो चुकी है, तो ची शुंडा दंडु सरोल जिसकी सुंड बहुत बड़ी है और हमें सीधे मार्ग पे लेके जा रहा है, जीत परमानंदु केवल महासुखा। वो कहाँ लेके जा रहा है? परम आनंद, परम आनंद। आपको तो पता है कि आत्मज्ञान होने के बाद ही परम आनंद मिल सकता है, और हर क्षण अगर मिल सकता है आत्मज्ञान तो अच्छा ही है। कभी कभी हमें आनंद होता है, परमानंद, मैं तो बहुत परमानंद हूँ, कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए नहीं, ऑलवेज एट एवरी टाइम, हर क्षण हर कण में वो आनंद मिल सकता है, और महासुख, बाद में मैं महासुखी हो जाऊंगा और हो चुका हूँ, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। तरी संवादु तोची दशनु जो समता शुभ्र वर्णु देवो उन्मेषक सूक्ष्म क्षणु विघ्नराजु। सबसे बढ़िया जो 10 उपनिषद है, ईशावा मुंड मांडुक के तृतीय, आपको तो पता है 10 जो सबसे बढ़िया उपनिषद है, उसका जो सारांश है, ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गुरुदत्त कस्य सिद्धुना, कि हर जगह भगवान ही है, इसके ऊपर आप कभी भी शंका मत लेना। तो वो 10 के 10 सबसे बढ़िया उपदेश है, उसका भी सारांश वो मैं निरपेक्ष वृत्ति से देख रहा हूँ। शुभ्र वर्ण मीन्स सफेद वर्ण जो है वो शुभ्रता से देख रहा है कि मुझे अच्छा बुरा समझ रहा है, मेरी भी अच्छी बुरी चीजें दिख रही है, हर जगह की हर भर अच्छी बुरी चीजें दिख रहे हैं, और मैं बिना पार्शियलिटी देख रहा हूँ। देवो उन्मेष सूक्ष्म क्षणु विघ्नराजु, तो मेरी अच्छी बुरी चीजें देख के मेरा भविष्य, वर्तमान और पीछे जो हो गया, ये सारी चीजें जिस भगवान को समझती है, सूक्ष्मदर्शी से भी और दूरदृष्टि से भी, ऐसे भगवान को
को मैं प्रणाम करके उस महासुख में मैं रह रहा हूँ, और मुझे वो भगवान जो है मेरे सारे विघ्न बाजू में करके उस जगह लेके जा रहे हैं, हर क्षण हर घड़ी। केवल एक क्षण के लिए आनंद मिला ऐसा नहीं, हर क्षण हर घड़ी मुझे वो आनंद कैसे मिलना चाहिए, इसके लिए मेरे सदगुरु प्रयास कर रहे हैं और मैं भी उनसे एक रूप होकर वही प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास और सदगुरु का प्रयास एक ही हो, एक रूप हो चुका है। मज अवगमली या दोनी मीमांसा श्रवण स्थानी बोध मदामृत मुनि अली सेवेती। अली मीन्स भृंग राजा। मज अवगमली या दोनी, मुझे दोनों चीजें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, बीच में उपनिषद है। पूर्व मीमांसा यानी कि उसकी प्रस्तावना उपनिषद की, और उत्तर मीमांसा ने उसका सारांश, और बीच में उपनिषद है। ये सारी चीजें दोन मुझे बोधामृत, जो मुनि लोग जो अन्य के जैसे उसका रस ग्रहण करते हैं, जैसे भृंगराज जो है वो सबसे बढ़िया चीजें फूलों में से चख लेता है, वैसे मुझे मेरे सदगुरु सिखा रहे हैं कि हर अच्छी चीज, हर चीज में अच्छी चीज लेके कैसे जिंदगी जीने की और आगे बढ़ने का। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, प्रमेय प्रवाल सुप्रभ द्वैता द्वैत तेची निकुंभ शरीर एक वटतैव मस्तकावरे। कि यानी द्वैता द्वैत परे, वैसे ही यानी गणेश जी के गंड स्थल के ऊपर द्वैत अद्वैत है, उसके परे कैसे लेके जाए। सदगुरु मुझे सिखा रहे गणेश जी की दृष्टि से, बुद्धि से सिखा रहे हैं कि द्वैत के ऊपर, द्वैत के भी परे जाने का, यानी मैं अस्तित्व में हूँ, ये सारा विश्व अस्तित्व में, हर जगह भगवान तो है, द्वैतवाद हो गए। अद्वैतवाद, हर जगह भगवान ही है और कुछ भी नहीं है, उसके भी परे। निकुंभ शरीर से एक बार देव है, मीन्स ऐसे जगह, यानी उनको पता, गणेश जी को यानी ये सारी चीज पता चल रही, और ऐसे स्थान पे वो एक रूप हो चुके हैं, और उसके बाद में उनका जो मुकुट है उसमें ये सारी चीजें बस चुके, उनके यानी बुद्धि में ये सारी चीजें बस चुके हैं, और वो हमें बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे करते हैं। और सदगुरु हमें अच्छे मार्ग के ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर उपनिषदे जे उदारे ध्यान मकर दे, ये कुसुम मुकुटी सुगंधे शोभति बोले। और उपनिषद का जो सार है, द्वैत द्वैत ये सारी हमने चीजें देखी, उसका जो ज्ञान मकरंद है, यानी वो जो है उसमें का जो अमृत जो है, रसास्वाद जो है, वो सदगुरु हमें समझा रहे हैं, और गणेश जी के मुकुट के ऊपर वो सारा जम चुका है, और वो हमें सिखा रहे हैं भगवान, मेरे सदगुरु, गणेश जी के बुद्धि के मार्ग से। गणेश जी सबसे विद्वान इस दुनिया में, उनसे विद्वान कोई नहीं है, तो उनके भी बुद्धि से मेरे सदगुरु मुझे सिखा रहे हैं। और इतनी बढ़िया सिखा रहे हैं कि मुझे तो निश्चित लग रहा है कि मैं डेफिनेटली सारे ईशावास्य के दस उपनिषद तो मैं समझ चुका हूं, और मैं डेफिनेटली ये संसार पुर से तैर चुका हूं। अल्टीमेटली वही उन्हें कहना चाह रहे हैं, अकार चरण युगुल उकार उदर विशाल मकार महामंडल मस्तकाकार। गणेश जी के चरण युगुल जो है, दो पैर है वो अकार है, उनका उदर जो है यानी पेट जो है बड़ा विशाल है, और मस्तक भी बड़ा विशाल है। उन्होंने अच्छी बुरी बातें वो पचा चुके हैं, उसमें का एक्सट्रैक्ट निकाल के वो बुद्धि में सारी चीजें वो जमा कर चुके हैं, और वो उसका जो सारांश है वो हमें बता के हमें अच्छे मार्ग पे जिंदगी में वो लेके जा रहे हैं। बिकॉज सदगुरु इज द अल्टीमेट थिंग, ऐसा उनका कहना है, और वो गणेश जी के बुद्धि से मुझे सारी चीजें सिखा रहे हैं। वो आगे आ रहा है, ये तीन ही एक होटल है, जीत तीर्थ शब्द ब्रह्म कवल है, हे मिया गुरु कृपा न मिले आदि बीज। लास्ट टाइम बताया था कि जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है, हर जगह जो
भगवान शिव को देख सकता है, भगवान ओंकार हर जगह देख सकता है। अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश्वर। अकार तो ब्रह्मा यानी जो सृजन करता है, जो जन्म देता है, और विष्णु अपना पालन पोषण करता है, और शिव जो है आत्मा में समा जाता है। हर जगह शिव है, वो खुद में समा जाता है, तो हर कोई उसमें मिल जाता है, अपनी बॉडी उसमें पंचमहाभूत उसमें मिल जाते हैं, तो आप में समा लेता है। ऐसा जो शिव है हर जगह, वो जन्म मृत्यु और जीना बीना सब चीज़ एक जगह पे देख सकता है, वही शिव है। और वो कौन मेरे सदगुरु है, ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं। आदि बीज, आदि बीज ने आपको पता है कि हिरण्यगर्भ था, जिसमें से पूरी विश्व और सृष्टि निर्माण हुए, अनंत कुटे ब्रह्मांड नायक निर्माण हुए है। फॉर एग्जाम्पल अनेकों आकाश गंगा, अनेकों विश्व निर्माण हो चुके हैं जिस हिरण्यगर्भ से। उस हिरण्यगर्भ से विश्व निर्माण होते कि यही सारे फिर से उसमें आ जाता है। और वो छोटा सा हिरण्यगर्भ जो रहता है, उसका भी सार मुझे भगवान मेरे सदगुरु ने बताया कि इतने सारे विश्व का नॉलेज एक हिरण्यगर्भ में समाया जाता है, और उसका भी सार मुझे मेरे सदगुरु बता रहे हैं। यानी इमेजिनेशन की पराकाष्ठा है, हर चीज के परे। आता अभिनव अभिलाष ने जी चातुर्थ कला कामिनी थे शारदा विश्व में नमस्कार। इसके बाद में मैं शारदा को वंदन करता हूँ जो मुझे ये सारी चीजें समझा रही है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में सदगुरु को बहुत बड़ा स्थान है। वो हमें सब कुछ समझाता है और हमारे पूरे जीवन में योग्य मार्ग पर रखता है। धन्यवाद।